हेलो इंजीनियर्स, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो आपको सामने में दिख रहा होगा, कपलॉक सिस्टम के थ्रू एक स्टेजिंग बनाया गया है LBUP का डेक स्लैब के लिए। LBUP का डेक स्लैब होने वाला है इसके ऊपर स्टेजिंग के सहारे। तो चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ कि स्टेजिंग में ये कपलॉक के थ्रू जो स्टेजिंग होता है उसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है। तो ये सबसे पहला मटेरियल जो है आपको सामने दिख रहा होगा, ये 3 मीटर का स्टैंडर्ड है और एक्चुअली इसको हम लोग वर्टिकल भी बोलते हैं। और इसके बाद दूसरा मटेरियल एक बेस प्लेट है जिसका सबसे स्टार्टिंग में इसका यूज होता है स्टेजिंग खड़ा करने का। और तीसरा मटेरियल यूज हम लोग कर रहे हैं ये है लेज़र, और इसको एक हम लोग हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। और एक हो गया वर्टिकल और एक हो गया बेस प्लेट। तीसरा जो चौथा जो यूज किया जा रहा है इसमें आप देख रहे होंगे एंड पॉइंट पे जो होता है यू जैक होता है जिसके ऊपर सेंटरिंग का लोड आता है, सेंटरिंग प्लेट जो होता है इसी के ऊपर रहता है। ये जो LBUP का है एक साइड का स्टेजिंग कंप्लीट हो चुका है, LHS का सेंटरिंग स्टेजिंग कंप्लीट हो चुका है और ये RHS का स्टेजिंग का प्रोग्रेस में है। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें बेस प्लेट अभी लगाया नहीं गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इसका बेड बनाया जाता है, लेकिन ये राफ्ट ऑलरेडी किया हुआ है तो इसमें बेड का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इसमें हम बेस प्लेट लगाएंगे। बेस प्लेट के बाद वर्टिकल खड़ा किया जाता है। ये रहा, जैसे कि आप देख सक रहे होंगे ये वर्टिकल है फर्स्ट और ये दूसरा वर्टिकल है। ये दोनों वर्टिकल के बीच में ये है कप में लेज़र को सेट किया जाता है। जैसे कि लेज़र कैसे सेट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ पे सेट किया हुआ है लेज़र में एक कॉर्नर रहता है जो कि कॉर्नर को इस कप में सेट फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स करने के बाद हथौड़े को यूज़ करके इसको टाइट किया जाता है, लेज़र के कॉर्नर को फिक्स करके और इसको हथौड़े के हेल्प से इसको टाइट कर दिया जाता है दोनों साइड से। ऐसे ही सब पूरा प्रोसेस इसका चलते रहता है और ऐसे ही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को मिला के आगे तक पूरा स्टेजिंग को तैयार किया जाता है। और स्टेजिंग के एंड पे जाके आपको देखने को मिल रहा होगा ये यूजेक लास्ट में यूज होता है। इसके ऊपर जो है सेंटिंग का प्लेट रहता है, जैसे कि आप अंदर में देख रहे होंगे सेंटिंग का प्लेट भी आपको दिख रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये रहा यूजेक और उसके ऊपर प्लेट है, प्लेट उसके थ्रू उसका लोड डिस्ट्रीब्यूट होते हुए नीचे स्टेजिंग के थ्रू होते हुए ये बेस में आ रहा है। ये जो LBUP है ये हमारा HG इंफ्रा इंजीनियरिंग को मिला हुआ एक प्रोजेक्ट OD5 पैकेज का है, चैनेज 283 प्लस 00 चैनेज है किलोमीटर। और इसका LHS का स्टेजिंग कंप्लीट हो चुका है और RHS का स्टेजिंग ऑन गोइंग है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि स्टेजिंग करते कैसे हैं और इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, कैसे इसका यूज होता है। थैंक यू।